फाइनली आज है फ्राइडे, तो आज मेरा ऑफ है और भाई का भी ऑफ है। भाई को हिंदी कम आती है, तो आज हम जा रहे हैं घूमने। वहाँ पे शिप आई हुई है, बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मल है, बट जहाँ पे बहुत शिपें आती हैं आज तो छोटी आई हुई है। तो भाई तो जहाँ पे घुमाने न्यू आया है तो भाई को आया हूँ। भाई कहता घूमना है, मैं चलो आज घुमा के आते हैं। और जहाँ पे आज फ्राइडे है तो सभी लोग जहाँ पे मैच खेलते हैं फुटबॉल का, क्रिकेट का, तो आज जहाँ पे मैच भी हो रहे हैं। और ये सामने मेरा होटल है, ये मेरी अकोमोडेशन है। अभी हम जाएंगे शिप देखने और आपको। सो फाइनलाइज, ये हमारा गेट, इस गेट को ओपन करेंगे और हम चलेंगे मेन रोड पे। और ये रही हमारी अकोमोडेशन और जहाँ पे है हमारा रिजोर्ट, जो आप जो सामने देख रहे हैं, ये है जहाँ का लुलु मॉल। मेरे होटल से जस्ट 5 मिनट का वे है। ये लुलु जो मोस्टली केरला वालों का है, हमारे इंडिया वालों का है ये लुलु मॉल। और ये रहा मेरे होटल के एंट्री गेट, अटाना मुसंदम। ये मेरे होटल का एंट्री गेट है, होटल नहीं सॉरी रिजोर्ट, मेरे मुंह से होटल आता है, बट मेरे जहाँ पे एक होटल है एक रिजोर्ट है। जे रिजोर्ट और जो जहाँ का होटल है वो जहाँ से जस्ट 4 किलोमीटर दूर है जहाँ पे हम जाएंगे। फाइनली आपको वहाँ पे शिप मिल रही होगी, वहीं पे हम जाएंगे। और जे रही हमारी बोट जहाँ पे मोस्टली फिशिंग की बोटें आती हैं। जे आप व्यू देख सकते हो, जहाँ पे मोस्टली जो जहाँ का बिजनेस है वो आता है फिशिंग से। देख सकते हो कैसे जहाँ पे बोट पड़ी हुई है, बहुत सारी बोटें पड़ी हुई हैं इधर ऐसे। ये बोट तो अच्छा लगाया, रिड्यूस स्पीड नाउ, सही बात है, स्पीड कम करो क्या वो? जे वाला जो आप रोड देख रहे हो ना, ये रोड आपका जाता है जुआई को, जहाँ से जुआई का है आपका सिर्फ 2 घंटे का रास्ता कार से। आप ना अपनी कार में 2 घंटे में सीधा जुआई जा सकते हो। और वो रहा हमारा होटल, ये रहा लुलू और जे रही बोट। और आप जहाँ का व्यू देखो, चारों वैसे पहाड़ी पहाड़ है और बीच में समुंदर है और जहाँ पे बोट है। और वो रही शिप जहाँ पे हम जाएंगे अभी, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे जो अभी डेवलप कंट्री है, बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है और जो अपनी टूरिज्म को सबसे ज़्यादा आगे रखती है, तो इसलिए जो हर जगह नए नए होटल ओपन कर रही है, नए नए रेस्टोरेंट ओपन कर रही है, अपना टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रही है इस टाइम ये कंट्री। ये यहाँ का पेट्रोल पम्प और वो सामने मिल रही है आपको शिप। अभी मैंने भाई से पूछा था कि जहाँ पे तेल का क्या रेट है, तो उसने मेरे को बताया 258 पैसा, मतलब कि 100 पैसा में आपका होता है 22 रुपये होते हैं, तो 122 वही मतलब कि 60 रुपये 65 रुपये पर लीटर है जे रही आपकी शिप। बट जो आप जे ट्रक देख रहे हो ना, जे जहाँ पे पोर्ट भी है और जहाँ से सारा सामान एक्सपोर्ट होता है जुआई को, ईरान को और जो भी इसकी आसपास की कंट्री हैं, वहाँ पे सारा सामान यहीं से एक्सपोर्ट होता है मोस्टली। जहाँ से एक्सपोर्ट होता है आपकी भेड़ बकरियाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है जहाँ से। जे आप गाड़ियाँ देख रहे हो ना, जे सारी गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट होती हैं। जे गाड़ियाँ जहाँ से जाती हैं मस्कट, क्योंकि जहाँ से बाएँ रोड नहीं है मस्कट को जाने के लिए, तो जो जहाँ के लोग हैं तो वो जहाँ से सीधी गाड़ियाँ शिप में डालते हैं और सीधी पहुँच जाती है मस्कट। और मोस्टली जे जहाँ के जो मोस्टली लोग हैं वो जहाँ पे आते हैं बुकिंग करने के लिए, अपने घूमने के लिए और सैर सपाटा करने के लिए। जे आप जो छोटी छोटी बोट देख रहे हो ना, जे बोट होगी, जैसे जे बोट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बोटें हैं, तो जितने भी जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं या अपना सी में अपने जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोरल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं जहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी होती है, तो जितने भी लोग आते हैं, जितने भी गेस्ट आते हैं, तो बहुत सारे लोग जे वाले बोटों में जाते हैं। जितनी भी जो बोटें हैं ना, इस बोटों में जाते हैं सारे लोग। जहाँ पे भाई फुल मज़े ले रहा है आज छुट्टी के, फुल वीकेंड है और फुल एक्टिविटी कर रहा है, फुल बोट की माँ बहने कर रहा है भाई। देख सकते हो पहाड़ के नीचे समुंदर। आप जहाँ पे बोट नहीं देख सकते, बट मेरे को जहाँ पे बोट मिल रही है, छोटी छोटी बोट मिल रही है, एटलीस्ट 20 से ऊपर बोट होगी, तो जो अभी बहुत सभी जा रहे हैं अभी फ़िशिंग करने के लिए, क्योंकि जो जहाँ की मोस्टली इकोनमी है वो आपकी आती है फ़िशिंग से, टूरिज़्म से, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे आती है फ़िशिंग से। टूरिज़्म से तो इतनी ज़्यादा नहीं आती, बट मोस्टली सबसे ज़्यादा आती है जहाँ पे फ़िशिंग से। आप जहाँ पे नीचे देख सकते हो, आगे बताता हूँ कि जहाँ पे अंकल है और फ़िशिंग कर रहे हैं जहाँ पर। फाइनली शिप को जाने का टाइम हो गया, तो जो शिप है ना, जो शिप जाएगी जहाँ से जो जो मिल रहा है, मतलब कि इसके पास से जाएगी, जस्ट मेरे को लगता है शे अभी टाइम हुआ है 5:30, तो 6 o'clock तक जो शिप जाएगी इधर से, मुझे इतना मालूम है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं आया था तो वो शिप तो इससे भी ज़्यादा बड़ी थी, जो छोटी शिप है अभी, बट अभी जो शिप बिल्कुल पास से होके जाएगी जहाँ से, जहाँ पे जो भाई लोग खड़े हैं यहीं से गुजरेगी पास में। देखते हैं अभी कब तक आती है। भाई ने फिश पकड़ लिया लगता है मुझे, बड़ा ही मच्छी है ये, छोटी पकड़ी, बहुत छोटी पकड़ी तेरे। भाई एक और पकड़ के ला रहे हैं, आज भाई नहीं मानता फॉर्म में, भाई आज मेरा फोन में गिर जाए।
हाँ बड़ी मच्छी आई अभी, शिप ने हॉर्न दे दिया, सॉरी हॉर्न दे दिया, अभी शिप चलने को तैयार है। ऊपर से रात बहुत हो गई, अभी 600 लोग, इतना अंधेरा हो गया। चल देखते हैं कौन कितना अच्छा व्यू होता था अभी। फाइनली शिप तो आ गई, बट लाइट ना होने के कारण व्यू नहीं आ रहा इतना अच्छा। अब देख सकते हो कितनी बड़ी शिप, ये कितने फ्लोर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फ्लोर हैं इसके, मतलब कि 9 रूम होंगे। चल रहा हो ना कोई होटल चल रहा है चलता। मेरे को जहाँ से सामने मिल रहा है कि वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं विंडो पे, और अंदर मेरे को रूम मिल रहे हैं उनके, और लॉबीज भी मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, बट अंधेरा बहुत है और जो कैमरे में नहीं आ रहा साफ अभी। और शिप का नाम क्या है, सिल्वर सी शिप का नेम है सिल्वर सी। नाम नहीं आएगा बट नाम है सिल्वर, जहाँ से भी वो अच्छा आ रहा है वैसे फ़िलहाल। ये रही शिप, अभी ये शिप जाएगी मेरे को लगता है यूएई तो पास में है, मे बी ओमान तो जाए, सऊदी जाएगी, कतर जाएगी, आई डोंट नो फिर कहाँ जाएगी, बट शिप तो अच्छी बड़ी है। पहले वाली सेम है, पहले वाली इतनी बड़ी थी। पीछे मुझे पता नहीं चलता, इसके पीछे ही बैठते हैं लोग बहुत, देखो आपको नहीं मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है, बट इसके पीछे ही बैठते हैं, मिलते नहीं, जो पीछे होते हैं ना जो इसके इंचार्ज वाले, वो पीछे बैठते हैं, वो नीचे लास्ट टाइम भी वहीं पे बैठे थे, इस टाइम भी वहीं पे हैं। सो फाइनली वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे, क्योंकि रात बहुत हो गई, अभी मेरे को जाना है रूम पे, भूख बहुत लग गई है, पहले कुछ खाते हैं लुल्लू से लेके, फिर जाएंगे और देखते हैं फिर। और टाटा बाय बाय, लोग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और भाई के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं बाद में, मिलते हैं आपको कल होटल में।